हेलो भाई, मैं हूँ चेतन पंडित, जो आपके न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज की जब अपनी जो कार होने वाली है बलेनो की डेल्टा मॉडल। आप बहुत ज़्यादा बोलते हो कि यार आप हमेशा बलेनो जेटा लाते रहते हो। तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ बलेनो की अपनी डेल्टा वेरियंट में। आपको जो न्यू लॉन्च हुई 2022 का जो वेरियंट है, इसका आप देख सकते हैं आपका न्यू लुक जो अपनी निकल का आई, जिसका फेस लिफ्ट आया 2022 का, वो कितना कैसा, मतलब क्या क्या लुक वाइज क्या फीचर्स चेंज किए। तो मेरे हिसाब से तो ये जो 2022 का जो वेरिएंट्स निकाला है, वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट निकाला है अपने पुराने वाले वेरिएंट से। इसके अंदर आपको फीचर्स की बात करो तो आप देख सकते हैं, आप उनके यहाँ पे फ्रंट में ये अपनी जो एक ग्रिल देख रहे हो, आपकी ग्रिल आपको काफ़ी ज़्यादा मस्त वाली मिल जाती है। क्रोम आपको डेल्टा से स्टार्ट हो जाती है, डेल्टा से क्रोमिंग मिल जाती है आपको। यहाँ पर अपन हेडलैम्प्स की बात करते हैं, आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का ऑप्शन मिल जाता है, उनको फॉग लाइट अपन को नहीं मिलते हैं यहाँ पर। और काफ़ी ज़्यादा मस्त कलर है, डिसेंट कलर मिलता है अपन को यहाँ पर। और अपन साइड की लुक की बात करते हैं, साइड में आपको मैं लुक दिखा सकता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैन तो भाइयों जो अपनी जो ये पुरानी वाली बलेनो और जो न्यू बलेनो है उसके अंदर, मतलब आपको मैन तो देखो ये चेंज किया, मैन जो फ्रंट का जो ये दे रखा है ये स्पेशली ये बढ़ा दिया गया है, और इसके मतलब लुक वाइज थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात है, सेफ्टी फीचर्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुई है गाड़ी के अंदर। तो साइड लुक से आपको मैं दिखा सकता हूँ, साइड लुक कुछ इस तरह से आएगी इसकी। तो अब मैं आपको इसका ओवरऑल लुक दिखाता हूँ, ओवरऑल लुक अपन किस तरह मिल जाता है। साइड में अपन देख सकते हैं, अपन को स्टील रिम्स प्रोवाइड करती है कंपनी अपन को। आप जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अपन को 15 इंचज़ के स्टील रिम मिल सकते हैं, जिसमें व्हील कैप लगा हुआ है, जो एक डेल्टा मॉडल के अंदर आती है वैसे भी। और यहाँ पर अपन को मिरर पर ही इंडिकेटर मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, ऑटो फोल्ड अपन को मिरर मिल जाते हैं, दोनों पार्किंग सेंसर का अपन को दोनों चीज़ें अवेलेबल हो जाते हैं। पार्किंग सेंसर फ्रंट में उनको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और बैक में उनको 4 पार्किंग सेंसर अवेलेबल मिल जाते हैं। साथ में हम रिक्वेस्ट सेंसर की बात करें तो डेल्टा में उनको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया जाता है, और सेंट्रल लॉकिंग दी जाती है अपन को। यहाँ पर टायर साइज मैंने आपको बता ही दिया, इसका कुछ इस तरह का टायर साइज दिया जाता है। और इसकी अगर मेन बात इसकी बैक से की जाती है, बैक में जो इसके चेंजेस हुए काफ़ी ज़्यादा मस्त चेंजेस हुए हैं, वो चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ मैं एक बार। इसके पीछे जो चेंजेस देख सकते हैं आप, पीछे से काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हुआ है, देख सकते हैं आप। इसकी जो लाइट्स है ये काफ़ी लाइट, मतलब डिसेंट लुक प्रोवाइड करते हैं गाड़ी को। अपने को चार पार्किंग सेंसर दे रखे हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक येरा एक उधर और एक इधर, ये इस तरह के इसमें पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं अपन को। डेल्टा में कोई भी वाईफाई का ऑप्शन नहीं मिलता, डिफोगर मिल जाता है अपन को, इधर ये एंटीना मिल जाता है अपन को, और काफ़ी ज़्यादा मस्त लुक प्रोवाइड होती है अपन को। 350 लीटर का इसमें वुड स्पेस मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है, वुड स्पेस भी काफ़ी मस्त है। और ओवरऑल साइड से लुक की बात करते हैं, साइड से लुक इसकी कुछ इस तरह से मिल जाती है। और इसकी मैंने आपको स्टील रिम अगर मैंने दिखाई दी आपको, देख सकते इसका ये अपने फ्यूल टैंक का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर अपन को, कुछ इसकी साइड लुक इस तरह की मिल जाती है। डिस्प्ले इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दी गई, हैंडल बार अपना मेन चेंज हुआ है, जो कि मैं आपको दिखा दूँगा किस तरह का हैंडल बार इसमें मिला है अपन को। ये कुछ इसकी ओवरऑल लुक थी। और अभी आपको मैं सीधे चलता हूँ गाड़ी के लेके अंदर, गाड़ी के पहले मैं आपको की दिखाऊंगा, की दिखाने के बाद आपको मैं गाड़ी के अंदर ले चलूँगा, गाड़ी की लुक कैसी है कैसी नहीं है, क्या क्या अंदर से मेन फीचर्स चेंजेस हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात कर रहे थे इस कार की अपनी जो की मिल जाती है वो किस तरह की मिल जाती है। मैं आपको बलेनो जेटा, मेरी जो खुद की बलेनो जेटा, उसमें आपको की दिखाता हूं किस तरह की आती है। ये अपने डेल्टा वेरियंट डेल्टा में उनको कुछ इस तरह की अपन को इसके अंदर की मिल जाती है। इसके अंदर अपन को देख सकते हैं, अपन को डोर लॉक और अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, और नॉर्मल अपन को फिजिकल की मिल जाती है। और साथ में उनको मैं आपको बता रहा था, इसमें कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसको जस्ट अपन अनलॉक करते हैं, ऐसे अनलॉक करने के बाद अपन कार के अंदर चलते हैं सीधे। और इसके अपन यहाँ से बात करते हैं, अपन क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं आप। अब मैं बताता हूँ, एक अपन को ड्राइवर साइड ऑटो विंडो मिल जाती है, बाकी चारों पावर विंडो अपन को यहाँ पर गाड़ी के अंदर मिल जाती है। यहाँ पर उनको चाइल्ड लॉक सिस्टम मिल जाता है, ऑटो फोल्ड मिरर मिल जाता है, दोनों जो मिरर है अपने उस साइड मिरर इस साइड मिरर दोनों ऑटो फोल्ड मिल जाते हैं। यहाँ पर एडजस्ट मिरर कर सकते हैं, एक स्पीकर ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, बोटल होल्डर मिल जाता है। साथ उनको ये अपनी ये फिटिंग दी है, काफ़ी ज़्यादा मस्त दी है। उसका इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर को इसका कुछ इस तरह का मिल जाता है। ये अपन को डेल्टा वेरियंट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सकते इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा मस्त दे रखा है अपन को। यहाँ पे अपन को सीट एडजस्टेबल का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, ओनली अपन को सीट एडजस्ट कर सकते हैं, जो इस तरह से अपन यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का अपन को ऑप्शन मिल जाता है। इसका हैंडल बार की बात करते हैं, इसका हैंडल बार इस तरह का मिल जाता है। तो अपन सीट चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाइयों आपकी जो अपनी जो कार है, उस चीज़ के बारे में बता रहा था मैं। तो अपनी जो ये देखिए आप न्यू वेरिएंट है बलेनो का, जो न्यू लॉन्च हुआ बलेनो का डेल्टा वेरिएंट है वैसे अपना। और इसके अंदर की मैं लुक बता रहा था आपको, अंदर की किस तरह की लुक मिल जाती है अपन को। जो अपना हैंडल बार देखिए वो अपना बिल्कुल चेंज कर दिया गया, मैं आपको पूरा हैंडल बार दिखा देता हूँ किस तरह का हैंडल बार इसमें मिल जाता है।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमको कुछ इस तरह का इसमें हैंडल बार मिल जाता है अपन को गाड़ी के अंदर। और बात करें अपने इसके साइड लुक की, तो देख सकते हैं अपन क्या क्या ऑप्शन अपन मिल जाते हैं, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये सकते हैं यहाँ पर उनको ऑटो एसी का ऑप्शन मिल जाता है, जो अपने अपने हिसाब से जो अपने अपन चाहे तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑटो का ऑप्शन अपने डेल्टा सिम मिल जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया होगा कि अपने जो पुराने वेरिएंट आते थे, जो अपना 2019 का जो फेसलिफ्ट वर्जन आता था, उसमें क्या था कि उसमें अपन को डेल्टा में कोई भी ऑटो एसी नहीं मिलता था, जबकि अब जो न्यू बलेनो आई है उसके अंदर अपन को ये ऑप्शन मिल जाता है। 7 inches की अपन को ये डिस्प्ले स्क्रीन मिल जाती है, जो कि जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, डिसेंट क्वालिटी के साथ मिल जाती है अपन को, काफ़ी ज़्यादा मस्त क्वालिटी मिलती है। यहाँ पर अपन को एसी वेंट्स मिल जाते हैं, एक दो एसी वेंट्स यहाँ मिल जाते हैं, साथ में एक एसी वेंट अपन को वहाँ पर मिल जाता है, एक एसी वेंट अपन को यहाँ पर प्रोवाइड कर देती है कंपनी। तो इसका जो मीटर बताएं, तो इसका मीटर आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है, जिसका अब इसको मैं आपको ऑन कर देता हूँ एक बार। इसका टैकोमीटर वगैरह ये सब इस चीज़ मिल जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन हो चुका है, अपना एसी ऑन हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा मस्त लुक मिल जाती है। और साइड की बात, इसमें स्पेस की बात करते हैं, कुछ इस तरह का स्पेस मिल जाता है। और अपन को यहाँ पे लाइट्स की बात करें, तो लाइट्स अपन कुछ इस तरह की यहाँ पर लाइट मिल जाती है, हैलोजन लाइट मिलती है अपन को यहाँ पर। और यहाँ पर अपन बात करें इस पर, कुछ इस तरह का अपन को फुटरेस्ट मिल जाता है। और ये देख सकते हैं अभी अपन को यहाँ पे मिरर मिल जाता है, एक अपन को साइड इंटीरियर अपन को कुछ इस तरह का मिल जाता है, अपन को 5-speed मैनुअल स्पीड गियर मिल जाते हैं अपन को। और अपन को USB का पोर्ट दिख जाता है, USB पोर्ट ओनली, ऑक्स का अपन को कोई ऑप्शन नहीं मिलता गाड़ी के अंदर। ये अपन को 12 volt का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, साथ में ऑक्स का अपन को इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है डेल्टा मॉडल के अंदर। और इसका इसके अगर अपन यहाँ पे बात करें हैंडल पे अपने कंट्रोल्स की, तो हैंडल पे अपन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं अपन को अपनी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, इसको जैसे अपन यूज़ करते हैं, उसके कंट्रोल्स अपन को यहाँ पे ही मिल जाते हैं, तो इस तरह से अपन यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से अपन मोड चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह से अपन वॉल्यूम अप प्लस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अब यहाँ से अपन इसको बंद कर देते हैं, कुछ इस तरह के ऑप्शन मिल जाता है इसका। अगर आपको हॉर्न की बात बताऊँ, तो हॉर्न का किस तरह हो जाता है, इस तरह इसका अपना हॉर्न मिलता है। और इस साइड कंट्रोल की बात करें, तो हमको वहाँ पे कुछ इस तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। यहाँ का मैंने आपको बता ही दिया है किस तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, साइड मिरर आपको दिखाई दिया कुछ इस तरह के। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बैक साइड, बैक साइड अपनी कैसी गाड़ी की, तो देखिए सीधा मैं चलते हैं बैक साइड। तो बैक में अपन को कुछ किस तरह से मिल जाता है, वो चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से अपन। ये अपनी फ्रंट रो मिल जाती है, साथ में अपन को ऐसे अपन को पूरे चारों डोर वही ऑप्शन में आपको अपनी गाड़ी में, मैंने आपको अपनी मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखते और बैक, तो अपन को किस किस तरह का ऑप्शन मिल जाते हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था। तो अपनी बैक रो की बात करते हैं, बैक रो अपन को स्पेस कितना मिल जाता है, स्पेस की बात करते हैं अपन कुछ इतना ज़्यादा स्पेस, कितना स्पेस मिल जाता है इसके अंदर अपन देख सकते हैं, कुछ इस तरह का अपन को स्पेस इसके अंदर प्रोवाइड करती है कंपनी। ये देख सकते हैं इनकी जो इसकी जो सीट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मस्त और काफ़ी ज़्यादा डिसेंट क्वालिटी मिल जाती है अपन को। और मैं एक बार आप इसको बैठ के दिखा देता हूँ इसके अंदर कितना अपन को स्पेस मिल जाता है, देख सकते हैं आप। तो फ्रंट इसका कुछ इस बैक से बैठने के बाद इतना दिखता है अपन को। तो आदमी जो अपना जो कस्टमर है, फिर कोई भी जिसको भी अपने गाड़ी यूज़ के लिए चाहिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा मस्त फील करेगा इस गाड़ी के अंदर। देखते हैं अपनी जो ये फ्रंट सीट कितनी डाउन हुई पड़ी है, जब भी अपन को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के अंदर। यहाँ अपन को 12 volt का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जिससे अपन अपने डेस्क कैम वगैरह चला सकते हैं, वो सब चीज़ चला सकते हैं। फ्रंट सीट का कुछ इस तरह का डिजाइन मिल जाता है। और साइड में अपन को दोनों पावर विंडो मिल जाती है, और साथ में अपन को ड्राइवर साइड अपन को 4 पावर विंडो कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरह से ये अपन ऑप्शन मिल जाता है, ये अपने कुछ इंटीरियर इसका इस तरह का मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा मस्त और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के साथ मिलता है इसका। अब इसका मैं आपको हुड दिखा देता हूँ किस तरह का मिल जाता है, वुड स्पेस कितना मिल जाता है। तो सही चलता है, वुड स्पेस की बात करें तो वुड स्पेस अपन को काफ़ी ज़्यादा मस्त मिल जाता है, 350 liter का इसमें वुड स्पेस मिल जाता है अपन को। इसमें अपन को बलेनो की बैजिंग दे रखी है, और जो ये जो हेडलैम्प्स ये लाइट्स दिए हैं अपन को, ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लुक प्रोवाइड करती है। नाइट का जो विजन आप इसको देखोगे, तो काफ़ी ज़्यादा मस्त और काफ़ी ज़्यादा बेटर लुक निकल के आती है। यहाँ पर अपन को सुजुकी का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर अपन को नेक्सा का लोगो मिल जाता है। तो अभी अपन इसको अपन ओपन कर लेते हैं अपने वुड स्पेस को, तो यहाँ पर अपन को कोई भी की का ऑप्शन नहीं मिलता, की से अपन ओपन करेंगे अपने, मतलब गाड़ी अगर अपनी अनलॉक हो चुकी है तो अपने वुड स्पेस के यहाँ पर सेंसर्स दे रखे हैं, यहाँ पर हम जैसे अपन क्लिक करेंगे तो अपने ये किस तरह से ओपन हो जाएगा। तो इसका वुड स्पेस की बात करें, मैं आपको बताया था 350 liter के इसके अंदर वुड स्पेस मिल जाता है, इसके अंदर आपको कोई भी लाइटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली डेल्टा मॉडल था, डेल्टा मॉडल में इतना सब कुछ मिल लेना काफ़ी ज़्यादा बेटर बात है। ये कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी अपन चलते हैं सीधा गाड़ी के अंदर, गाड़ी के एसी के बारे में बात करें, गाड़ी को अपन स्टार्ट भी करेंगे, स्टार्ट के साथ आपको आवाज़ भी दिखाऊंगा गाड़ी का अपना कितनी नॉइस आती है कैबिन के अंदर। अपन अपन इसकी इंजन की बात करते हैं, इसका कुछ किस तरह का मिल जाता है, तो इसको अपन यहाँ से ओपन कर लेते हैं हुड को अपने को। तो यहाँ से अपन इसको जैसे ओपन करते हैं, अपन को कुछ इस तरह का इसमें अंदर इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो बहुत ज़्यादा हैवी क्वालिटी है,
जो कि गाड़ी जो अपनी बलेनो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए। मैंने आपको बताया था कि इसकी जो क्वालिटी इंजन क्वालिटी, इसका इंजन अपने कुछ इस तरह मिल जाता है। आप सेट नीचे देख सकते हो, आप एक बार मैं आपको यहाँ से इसको रोककर मैं जाओ को दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं इंजन। फ्रेंड्स ये इंजन भाई अपन को 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि अपन को काफ़ी ज़्यादा मस्त क्वालिटी का इंजन मिलता है, जो कि पिकअप और अपने टॉर्क के मामले में काफ़ी ज़्यादा मस्त है। ये देख सकते हैं अपन को बैक के अगर नीचे की बात करें तो अपन यहाँ पर जाली मिल जाती है, जो कि अपन को इंजन को काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करती है। ये देख सकते हैं अपन कुछ इस तरह के इसका अपने इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर इसकी नॉइस की बात करें तो इनको अभी आपको मैं नॉइस भी दिखाता हूँ एक मिनट में, हम लोग इसकी कैसी नॉइस आती है इस गाड़ी के अंदर, गाड़ी का इंजन अपने स्टार्ट होता है तो वो चीज़ आप पहले अपन देखते हैं इसकी गाड़ी के अंदर की। तो भाई अपन अपने इंजन नॉइस की बात करते हैं, इंजन नॉइस के तरीके इस तरह के मिल जाते हैं इसके अंदर अपने इंजन नॉइस, और काफ़ी ज़्यादा इंजन नॉइस नहीं है कैबिन के अंदर की। इंजन नॉइस मैं आपको दिखा दूँगा किस तरह की इंजन नॉइस इसके अंदर आती है। इसके बैक की बात करें तो बैक के अंदर कोई भी ज़्यादा कोई इंजन नॉइस नहीं आती कार के अंदर, तो वो चीज़ मैं आपको इंजन नॉइस भी अपनी इसको दिखा दी है। सर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ भाइयों कि जो अपनी ये कार है बलेनो डेल्टा जो मॉडल दे रखा है अपन को, बलेनो जो कार है अपनी, उसके अंदर अपन कैबिन के अंदर कितनी इंजन नॉइस मिल जाती है गाड़ी के अंदर, अपना एसी किस तरह से वर्क करता है अपन को गाड़ी के अंदर। तो कुछ इस तरह के इसमें एसीवेंट्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक एसीवेंट्स अपन को मिलता है यहाँ पे, दो अपन को एसीवेंट्स मिल जाते हैं और 7 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है अपन को, और एक एसीवेंट मिल जाता है यहाँ पर मिल जाता है। तो उनको 5 स्पीड गियर मैनुअल गियर ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर रिवर्स अपन को ऑप्शन मिल जाता है, सेंसर्स मिल जाते हैं अपन को, मैंने आपको दिखाई दिया बैक में 4 सेंसर मिल जाते हैं, फ्रंट में आपको 4 सेंसर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अपन को इसको हटा देते हैं, तो उनको इंजन नॉइस बात करते हैं कैबिन इंजन नॉइस की, कितनी कैबिन इंजन नॉइस मिल जाती है। तो अब आपको मैं मेन चीज़ दिखाता हूँ, देखो अभी आप देख सकते हैं मेरी इधर जो अपनी ये जो क्लच दे रखी है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो अपनी भाई जो क्लच दे रखी नहीं क्लच, मैंने क्लच प्रेस नहीं कर रखी अपनी गाड़ी को, गाड़ी अपनी ऑन है। अब मैं इससे अगर इससे आज ज़्यादा मैं अगर चाबी को घुमाता हूँ तो अपन की क्या होगा, मान के चलिए अगर अपना कोई चिल्ड्रन बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर तो मान के चलिए अपने क्लच पैर तो उनके साथ मुश्किल ही पहुँचते होंगे। और जैसे अपन इसको क्लिक करते हैं, सेफ्टी रीजन के बता रहा था मैं आपको, जैसे अगर अपन प्रेस करेंगे तो देखिए अपन प्रेस अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर अपन, जैसे अपन दोबारा में दोबारा ट्राई करके दिखा देता हूँ, ये देखते फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ऑप्शन नहीं रहता गाड़ी पर अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर अपन जैसे क्लच का ऑप्शन क्लच दबाते हैं, देखिए मैंने फ्रेंड्स क्लच दबा दी है, तो क्लच दबाने के बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स अपनी कुछ गाड़ी इस तरह से अपनी स्टार्ट हो जाती है अपनी स्टार्ट। अब नॉइस की बात करते हैं, इंजन नॉइस आप खुद महसूस कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं कितनी इंजन नॉइस अपन को मिल जाती है गाड़ी के अंदर, तो कुछ इस तरह के इंजन नॉइस मिल जाती है। और एसी की बात करें तो एसी अपन को काफ़ी ज़्यादा चिल्ड कर रहा है, रियली बहुत ज़्यादा मस्त मिल जाता है इसके अंदर। और अभी मैं आपको इसको रेस दे के दिखा देता हूँ कितनी अपन को इंजन नॉइस मिल जाती है इसके अंदर, देख सकते हैं ज़्यादा कोई इंजन नॉइस हमको नहीं मिलती है। तो कुछ इस तरह की अपना ये वीडियो थी, तो आज की वीडियो अपनी यहीं समाप्त होती है। तो अपन अब चलते हैं सीधे अपनी न्यू कार की तरफ। ओके फ्रेंड्स, ओके एंड बाय।